इंदौर हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को लेकर राज्य सरकार और एसआईटी प्रमुख आईपीएस राजेंद्र कुमार से जवाब मांगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार बार एसआईटी चीफ में फेरबदल करने को लेकर गृह विभाग के सचिव को जमकर फटकारा है। यहाँ नहीं, हाईकोर्ट ने एसआईटी प्रमुख राजेंद्र कुमार को 21 अक्टूबर को पेश होने के साथ ही इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का बंद खिलाफे में देने का आदेश दिए हैं। चर्चा में मनोहर दलाल ने बताया कि हनी ट्रैप मामले को लेकर 3 आवेदक हाईकोर्ट में पेश किए गए थे, जिसे लेकर माननीय न्यायालय में यह निर्णय दिया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट से इसे लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट में जितनी पिटीशंस थी उसमें से एक पिटीशन में सीनियर एडवोकेट अशोक शिकले ने एक आवेदन पेश किया कि संजीव शमी को भी एसआईटी के चीफ से अलग हटा दिया गया है और नए को अपॉइंट कर दिया है। वैसी स्थिति में जितने भी दस्तावेज हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तत्काल के सीबीआई को दे दिया जाए। उस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बार बार एसआईटी बदलने से संबंधित जो नोटिंग्स, कारण, आर्डर्स, नोट्स, वे सभी एक बंद लिफाफे में हाईकोर्ट के सामने पेश करें। और अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी स्टेटस रिपोर्ट राजेंद्र कुमार हाईकोर्ट में 21/10 को पेश करें। सर, इसमें और भी पिटीशंस लगी थी क्या, सबको मर्ज कर दिया? सभी पिटीशन को मर्ज कर एक साथ रख दिया। सर, इसमें एक और आपने बड़ा खुलासा किया है कि श्वेता जैन की कौन सी कंपनी थी जिसे